डब्ल्यूएफआई के निलंबन पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, खेल का माहौल फिर से शुरू कराना था मकसद, मैं कुश्ती से ले चुका हूं संन्यास। कुश्ती संघ के खिलाफ सरकार का बड़ा एक्शन, डब्ल्यूएफआई को किया निलंबित, अध्यक्ष संजय सिंह के फैसलों पर भी रोक, बजरंग पुनिया बोले वापस नहीं लूंगा पद्मश्री। राम मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा, राम जन्मभूमि पर निर्माण कामों की समीक्षा के लिए दो दिवसीय बैठक के लिए कल अयोध्या पहुंचेंगे नृपेंद्र मिश्रा। 30 दिसंबर को पीएम मोदी रामनगरी को देंगे कई सौगात, अयोध्या में करीब 3 घंटे गुजारेंगे पीएम, एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद अयोध्या धाम स्टेशन तक करेंगे रोड शो। राजौरी में चप्पे चप्पे पर चर्च ऑपरेशन, कई आतंकी घिरे, 4 शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, बारापुला में पूर्व एसएसपी को आतंकियों ने मारी गोली। टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने फिर उतारी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल, का मिमिक्री कोई नई बात नहीं, ये कला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कांग्रेस अध्यक्ष को चिट्ठी, सांसदों के निलंबन पर कल चर्चा का सुझाव, कहा सदन में इरादतन किया गया हंगामा। केरल के 2 मंत्रियों ने दिया पिनराई विजयन सरकार से इस्तीफा, एंटनी राजू और अहमद देवर कोविल ने इस्तीफा दिया। देश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 322 नए मामले, 1 की मौत, केरल में सबसे ज्यादा 128 केस आए सामने, 3,742 हुए एक्टिव केस की संख्या। कोरोना पर एम्स के पूर्व निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान, कहा नया वेरिएंट ज्यादा खतरनाक नहीं लेकिन सावधान रहने की जरूरत है।